एलजीबीटी परेड्स में एंटी हिंदू और एंटी मोदी स्लोगन्स तो देखे ही होंगे आप लोगों ने, जिन्हें देखकर आपके मन में ये भी थॉट ट्रिगर हुआ होगा कि करंट बीजेपी गवर्नमेंट एलजीबीटी के राइट्स के अगेंस्ट है। लेकिन पॉपुलर एलजीबीटी कम्युनिटी डेटिंग ऐप रोमियो के एक सर्वे ने बायस मीडिया कवरेज से बने इस नोशन को डिसअप्रूव कर दिया। इस सर्वे की फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग 50% से अधिक लोगों ने बीजेपी को अपनी प्रेफर्ड पॉलिटिकल चॉइस माना है, वहीं कांग्रेस को 25% और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3% लोगों ने चुना है। एक जनरल परसेप्शन है कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को परस्यू करने वाले ऑर्गेनाइजेशन या फिर पॉलिटिकल पार्टीज जैसे आरएसएस और बीजेपी एलजीबीटी कम्युनिटी को कोई भी राइट्स या रिप्रेजेंटेशंस देने के अगेंस्ट हैं। और इस परसेप्शन की जड़ है वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडिस्ट कवरेज, जिन्होंने इस विषय पर बार बार भारत और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की, ये कहकर कि हम एलजीबीटी के वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं करते। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है दोस्तों। जहां इंडिया में होमोसेक्सुअल एक्ट्स को डिस्क्रिमिनलाइज किया गया है, वहीं 67 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज किया है, और इसमें बड़े बड़े देश जैसे आयरलैंड, हंगरी, पोलैंड वैसे पश्चिमी देश शामिल हैं। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन और धनी धर्म है, जहां सबका अपना महत्व है। और वहीं अगर हम अब्रामिक रिलीजन्स की बात करें या फिर पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न सिविलाइज्ड वर्ल्ड को देखें, तो वहां एलजीबीटी कम्युनिटी को सपोर्ट तो क्या, उन्हें दर्दनाक दंड देने का प्रावधान है। हिंदू त्यौहार कुंभ के दौरान ट्रांसजेंडर्स को विशेष स्थान प्रदान किया जाता है, यहां तक कि उनके खुद के देवी देवता संप्रदाय और महामंडलेश्वर हैं, वहीं मंदिरों में भी इनका विशेष स्थान है। अब चाहे वो तमिलनाडु का कूथांडवर मंदिर हो, जहां हर ट्रांस महिला भगवान आरवन के सामने एक सिंबॉलिक विवाह करती हैं, या फिर वो करीमनगर स्थित श्री राजा राजेश्वर स्वामी देवस्थनम हो, जहां शिव जी के अर्धनारेश्वर रूप से ट्रांसजेंडर्स शादी करते हैं। तो इससे वेस्टर्न मीडिया का ये कहना कि भारत या हिंदू धर्म होमोसेक्सुअल के अगेंस्ट है, तो इसका पर्दाफाश इन्हीं फैक्ट से हो जाता है। पिछले 10 सालों में बीजेपी की केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट्स ने एलजीबीटी के लिए कई एफर्ट्स लिए हैं। अब ये देख लेते हैं वो एफर्ट्स क्या हैं। जहां पार्लियामेंट में 56 बीजेपी एमपीज ने एलजीबीटी राइट्स के सपोर्ट में डिस्कशन किया है, वहीं कांग्रेस से सिर्फ 18 एमपीज ने इसका समर्थन किया है। ये मोदी सरकार ही थी जिसने ट्रांसजेंडर्स पर्संस एक्ट 2019 में पास किया था। यहां तक कि बीजेपी नेता पीयूष गोयल कहते हैं कि एलजीबीटी रिश्तों में कुछ भी आकृतिक नहीं है और इसके लिए कानून में संशोधन होना चाहिए। अब बात बीजेपी की हुई है तो आरएसएस की भी सुनी लेते हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी पिछले साल ये कह चुके हैं कि एलजीबीटी होना नेचुरल है और इनका भी सामान्य नागरिक की तरह जीने का हक है। भारत वेस्टर्न कंट्रीज से कई गुना आगे के वेलफेयर एफर्ट्स लेने की नीति रखता है। जैसे मोदी गवर्नमेंट ने हाल ही में राजीव गौबा कमेटी स्थापित की है, जो एलजीबीटी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करेगी। अब आप खुद सोचिए, अगर बीजेपी वाकई एंटी एलजीबीटी की होती तो 2018 में 24 वर्षीय स्प्रिंटर द्वितीय चंद, जो इंडिया के एलजीबीटी समुदाय के ओपनली फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हें एशियन गेम्स में उनके उम्दा प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से क्यों सम्मानित करती। अगर बीजेपी वाकई एंटी एलजीबीटी की होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स जॉब के लिए ट्रांसजेंडर्स को एक अलग लिंक के रूप में शामिल क्यों करने के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों से रिलेटेड एग्जाम रूल्स को संशोधित यानी अमेंड करने के लिए क्यों काम करती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें उनकी वेशभूषा से लेफ्ट के लोग कम पढ़ा लिखा मानते हैं, वो उत्तर प्रदेश में इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी क्यों खोलते। वैसे आपको एक बात बता दूं, यूपी के नोएडा सेक्टर 50 में ही देश का पहला प्राइड स्टेशन है। बीजेपी शासित गुजरात, मध्य प्रदेश और असम ही ऐसे स्टेट्स हैं जहां गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड स्टैब्लिश किया है, और असम ने तो ट्रांसजेंडर्स के लिए सिविल एग्जाम्स में रिजर्वेशन यानी आरक्षण तक दिया है। अगर बीजेपी वाकई एंटी एलजीबीटी की होती तो 2024 के मैनिफेस्टो में बीजेपी वो आयुष्मान भारत योजना में ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने और गरिमा ग्रहों का नेटवर्क का विस्तार, ताकि ट्रांसजेंडर्स की आवश्यकता को पूरा किया जा सके, ऐसा क्यों करती। भाजपा ने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। यही वजह है कि लेफ्टिस्ट प्राइड परेड्स इंडिया के सारे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को नहीं रिप्रेजेंट करती है। एक साइलेंट देश विरोधी वामपंथ की टुकड़ी है जो खुद को प्राइड फ्लैग से ओढ़कर विदेशों से पैसा लेती है और देश और हिंदू विरोधी नैरेटिव चलाती है, जिनका खामियाजा एक मेजॉरिटी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को भुगतना पड़ता है जो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। अब आप खुद से पूछिए, अगर बीजेपी वाकई एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी विरोधी है तो वो ये सब क्यों करती है।